सबाईनी फांसी परबो परब कुरबान हो हा कहीं साले के आंखों के संख्या में ऐसा है, जिस सरकार को चाहेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा तो आपको कार से निकाल देंगे। हम लोग भी उसको सरकार एमएलओ को विधायक को वो भी तो सरकारी कार्य अति है वो लोग घूस लेके वो लोग रख लेता है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा तो उनको कार्य से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, निकाल लेगा तो हम लोग देख लेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। सरकार का महिला सशक्तिकरण का नारा एक धोखा, सरकार का महिला सशक्तिकरण का नारा एक बेटी है, बेटी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार, अभी हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में आशा कर्मी यहां पर पहुंचे अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर। लगभग महीने भर से यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी दौरान आज मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में पहुंचे बड़ी संख्या में आशा कर्मी यहां पर पहुंचे और देख सकते हैं किस तरीके से सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। कुछ आशा कर्मी से भी बात करेंगे, क्या कहिए, किन मांगों को लेकर सबाईनी फांसी परबो परब कुरबान हो हा कहीं साले के रहबो छोरबो न जान हो कहीं साले के रहबो छोरबो न जान हो। जोपरी के दुलहिनिया अलियै ओरहन सुनाबे आशा रलागल बारे करी दाना मांदे हमार आशा रलागल बारे करी मनरेगा मजदूरी से भी मांदे हम आशा रलागल बा काहे लागी बान लेला मंत्री के ताज आशा रलागल बारे काहे लागी बा। किन प्रदर्शन किन मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? 9 मांग के मांग कर रही है, 1,000 10,000 चाहिए जी, ये मांग। क्या काम करना होता है आप लोगों को? बहुत ऐसा फलेरिया है, जलेबी है, जो सुइया पड़ता है तो पोलियो है, सब काम करना पड़ता है। और भी आशा कर्मी जिनसे बात करें, किन सारी मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग के परसौती जितना है ना से सब हटा दो, जितना हम लोग काम करते हैं सब हटा के हम लोग के 1,000 ना दे के 10,000 रुपया दे मिलता है। जो लोग खेत में बन कमाती है तो वह लोग के बन मिलता है तो 300 से 400 रुपया मिलता है एक दिन के, हम लोग के वो नहीं मिलता है। तो वह पैसा यदि मिलता मिलने के लाता है तो वह लोग घूस लेके वो लोग रख लेता है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा तो उनको कार्य से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, निकाल लेगा तो हम लोग देख लेंगे, केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, जो भी मन होगा तो अथी करेंगे उनको। आज सदर अस्पताल किस लिए है? सदर अस्पताल है सीएस घेराव के लिए, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? हाँ, सरकार बात को सुनेगा, जैसे सुनना है। कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? निश्चित काल है, जहिया तक नहीं वेतन हम लोग को मानदेय करता है तब तक हम लोग वेतन अथी करते रहेंगे। मेरा नाम क्या है? पवित्री देवी, उप अध्यक्ष प्रखंड के। सरकार हम लोग को चैन मुक्त करेंगे। हम लोग लाखों के संख्या में आशा है, हम लोग लाखों के संख्या में आशा है, जिस सरकार को चाहेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा तो आपको कार से निकाल देंगे। हम लोग भी उसको उखाड़ के फेंक देंगे, सरकार देंगे, सरकार को कुर्सी से उतार देंगे, रोजी रोटी दे न सकाबो वो सरकार निकम्मी, रोजी रोटी दे न सकाबो वो सरकार निकम्मी। क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सरकार, और हम लोग 19 साल से काम कर रहे हैं, चाहे जेठ का दोपहरिया हो या भादो का बारिश हो या 2 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, हम लोग 24 घंटा जब काम होता है तब हम लोग निकल जाते हैं। एक मनरेगा मजदूर के तहत भी हम लोग को सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है,
और टुकड़ा टुकड़ा में ये काम का 50 रुपया, ये काम का 10 रुपया, ये काम का 20 रुपया, ऐसे करके पारितोषिक 1000 रुपया देती है। हम सरकार से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि सरकार MLO को, विधायक को, के वो भी तो सरकारी कार्य अति सामाजिक कार्य करता है तो उनको वेतन देता है, सरकार उसको पेंशन देता है, रिटायरमेंट देता है। हम आशा बहने पूरे बिहार में 1 लाख आशा है, आंध्र प्रदेश की सरकार देती है, उड़ीसा की सरकार देती है, कर्नाटका की सरकार देती है, और सबसे गरीब देश जो है उड़ीसा की, अभी मध्य प्रदेश की सरकार लागू की है आशा को मानदेय 6000 और 1 लाख रिटायरमेंट पैकेज और पेंशन। हम सरकार से वही मांग करते हैं जो तेजस्वी बाबू अपने विधानसभा के अथी किए थे, उस समय वादा किए थे घोषणा पत्र में कि आशा कार्यकर्ता जितनी है उसको मासिक मानदेय लागू करें। तेजस्वी यादव कह रहे कि जब तक आप लोग कार्य नहीं रुक, प्रदर्शन नहीं रुकेगा, वही तेजस्वी यादव को वो दिन याद कराते हैं तो कुर्सी पर हम ही लोग बैठाए हैं और कुर्सी से हम लोग उतारेंगे। हम लोग अपना वादा भूल गए, वो तेजस्वी यादव बोले थे कि हम कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आप लोग को पूरा बिहार की आशा को न्यूनतम मजदूरी मानदेय के रूप में देंगे और सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। आज तेजस्वी बाबू को वही उनका वादा याद दिलाते हैं, उन्हीं के वादा के अनुसार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वो जिनका जिम्मेवार तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू है, इसका जिम्मेवार सरकार है। 1 महीना से पूरा स्वास्थ्य से निकाल देंगे तो नहीं डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग 1 लाख आशा है पूरे बिहार में, किस किस को निकालेंगे, बिहार को गरीब करके रख दिया है। तो जितना नेता लोग है उतना आज हम लोग एक मजदूरी करके खाते हैं, वो भी पैसा सरकार ठीक से नहीं देती है, इसमें भी घूस लेकर देते हैं और हम लोगों को रोड पर निकाल के खड़ा करके बौआ रहा है आज के दिन। क्या कर रहे होते आप लोगों का, आप लोग क्या कर रहे करते हैं, कितना कार्य करते हैं आप लोग? हम लोग तो 18 गो काज करते हैं, 92 अभी तो 52 काज हम लोग कर रहे हैं। आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन कर ले के हम लोग को मानदेय करे, सरकारी को कर्मचारी घोषित करे। आज तरह हम लोग दिन रात नहीं समझ रहे हैं, इस कोरोना काल में घर घर जाकर टीकाकरण लगाए हैं, वैक्सीन दिलवाए हैं, आज 1 रुपया भी नहीं मिला, असल कर्मचारी को मिला, विधायक को, MP मिले, सब उसको बना, लेकिन हम लोग को क्या मिला? तो गरीब महिला के लिए बहुत काम किया जा रहा है, क्या काम किया बताए हम लोगों को? आज हम लोग रोड पर खड़ा है, आप लोग के पास प्रदर्शन करने आए हैं पैसा के लिए। कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? 1 महीना 2 रोज आज हो गया, कोई सरकार नहीं सुन रही है, कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग पटना तक दौड़ चुके हैं। आगे क्या आज हम लोगों की महिला को कोई सम्मान है, इज्जत है? जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगाया जा रहा है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात को जिस समय हुआ उस समय डिलीवरी लेकर PSC आते हैं और जितना भी डिलीवरी है पूरे PSC में करा रहे हैं। भूख हड़ताल, हाँ एकदम भूख हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। अगर प्रदर्शन करिएगा तो निकाल देंगे काम से। उनके सरकार में इतना दम नहीं है, ऐसे लोग को उखार कर फेंक दे। कौन सरकार का हिम्मत हुआ है? 1 महीना से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के पे, लेकिन कौन सरकार का औकात हो गया हटा देने का? आके देख ले एक बार, मजाल है तो वेतन देने के लिए मर चुका है और हटाने के लिए जिंदा हो गया। आज हम लोग सिविल सर्जन आवास पे खड़े हैं और एक साइड से चोर की तरह निकल के अपने बिल्डिंग में गए हैं, एक बार किसी आशा से बात तक नहीं किए हैं। क्या यही न्यायपूर्वक कहानी होती है? जब काम रहता है तो प्रभारी को आदेश देंगे लिखित में, जो आदेश दिया जाता है सिविल सर्जन का आदेश है कि इस काम को पूरा करना है, ये रिपोर्ट देना है, स्वास्थ्य विभाग का जिला से आदेश आया है, लेकिन आज उस जिला में हम खड़े हैं, लेकिन हमारे सिर से सिविल सर्जन महोदय एक बार मुंह से बात भी कर लेते तो मैडम चाहे असिस्टेंट क्या करिएगा, सरकार की ये मामला है, सुन रही है सरकार, हम भेजे हैं तो हम लोग को सहानुभूति होती, लेकिन अगला दिन यही सिविल सर्जन आदेश देंगे तो हम सारी आशा क्या रिपोर्ट बना के देंगे। इसी प्रकार से सभी लोग आशा को कहना है जो सर हम लोग आपके दरवाजा पे गए तो आप साइड से ड्राइवर और आपका गार्ड चोरी छुपे चले गए अंदर, एक बार मिले भी नहीं, क्या हम लोग आपके नाश्ता मांग रहे थे, चाय मांग रहे थे? अरे अपने घर बहुत है, जन मजदूर 10,000 से काम करवाते हैं, लेकिन हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए 18-19 साल से हमारे आशा बहने काम कर रही है। फैसिलेटर लोग को 20 दिन का, आज तक के 20 दिन काम करेगा सरकार के यहाँ, 10 दिन जाएगा क्या सिविल सर्जन के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कहाँ जाएगा?
इसलिए सरकार से आदेश है जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं करेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। तो देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में आशा कर्मी यहाँ पर पहुँच चुके और अपने मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीएस कार्यालय का भी घेराव किया है और बड़ी संख्या में आशा कर्मी पहुँचे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर सरकार नहीं सुनेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और यहाँ तक नहीं उनकी बात अगर नहीं सुना जाता तो वो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।